हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज नवरत्न कोरमा। उसके लिए मैं कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च ली हूँ। कढ़ाई में तेल हम गरम कर रहे हैं। तेल लगभग गरम हो चुका है। अब मैं उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और लाल मिर्च को ऐड कर दूंगी। तो अच्छे से मिलाऊंगी। मीडियम आंच पर रखिएगा ताकि ये प्याज जले ना। प्याज को तब तक चलाना है जब तक लाल ना हो जाए। प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। मसाला लगभग तैयार है। अब हम इसको बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला ठंडा होने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए मसाले को मैंने मिक्सी के कंटेनर में डाला है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको ग्राइंड कर देंगे। पेस्ट अब तैयार है। अब हम आगे के प्रोसीजर के लिए कुछ सब्जियां काटी है, गाजर, कैप्सिकम, आलू, फूल गोभी और बीन्स और कुछ कटे हुए पनीर और फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। तेल लगभग गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड करूँगी और कुछ हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसमें कटे हुए सब्जी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पनीर ऐड करूंगी। सब्जी लगभग फ्राई हो चुका है। अब
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे सब्जी को बॉईल करने के लिए। और इसको झाँप के रख देंगे जब तक ये बॉईल ना हो जाए। दूसरी ओर मैं कढ़ाई ली हूँ जिसमें मैं वो पेस्ट डालने वाली हूँ। पेस्ट डालने के बाद उसको अच्छे से चलाएंगे, उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा पानी ऐड की हूँ और इसको हाई फ्लेम में थोड़ा पका रही हूँ। दूसरी ओर मेरी सारी वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी हैं। ऐसे ही बुलबुला निकलने लगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद नमक आधी चम्मच, हल्दी एक चौथाई चम्मच, लाल मिर्च एक चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। करने के बाद इस पे वो फ्राई किया हुआ सब्जी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। नवरत्न कोरमा लगभग तैयार है। अब हम उसको सर्व करेंगे। आगे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।